हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ आलू की वेफ़र बनाने की रेसिपी लेकर के आए हैं। इसे बनाना जो है वो काफ़ी आसान है, बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार होता है, एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी बनता है ये। देखिए इसका हम आपको साउंड बताते हैं कितना ये क्रिस्पी है और बिल्कुल बाजार जैसा बन करके घर पे आप बना सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी ईजीली बना सकते हैं इसे। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के आलू। यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के आलू यूज़ किए हैं, जितना बड़ा होगा आलू साइज़ में उतना ही अच्छा वेफ़र बनेगा। नमक लिया है हमने यहाँ पे 1 चम्मच और यहाँ पे एक छोटा सा पीस एलम यानी कि फिटकरी की हमने एक छोटी सी पीस ले ली है। फिटकरी हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसे यूज़ करने से आलू जो है वो काला नहीं पड़ेगा और आलू कड़क रहेगा और हमारे वेफ़र जो है वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो सबसे पहले इसे कूट लेंगे, इसे क्रश करना है हमें। क्रश करके देखिए इस तरह से खड़े शक्कर की तरह हो जाना चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है हमें। अब आलू को हम ले लेंगे और इस पीलर की मदद से हम इसका ऊपर का जो छिलका है, स्किन है, उसे निकाल लेंगे। दूसरे आलू को भी इसी तरह से हमें छीलना है। आलू को छीलने के बाद जो कुछ स्किन बाकी रह गया होगा उसे हम चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरे आलू को भी बिल्कुल इसी तरह से क्लीन करना है हमें। क्लीन करके हम दोनों आलू को वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसे कपड़े में अच्छे से पोंछ लेंगे, ड्राई कर लेंगे। एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी है ये, उसमें हम ये क्रश किया हुआ आलू यानी कि फिटकरी डाल देंगे और कटर की मदद से आलू के इस तरह से स्लाइसेस कट कर लेंगे और उसे इस पानी में डालते जाएंगे। सारे आलू का हमने स्लाइसेस कर लिया है। अब 10 मिनट तक हमने इसे पानी में डुबो कर रखा है और हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इस तरह से इसे स्ट्रेनर में निकालना है हमें। धीरे धीरे करके सारे आलू जो हैं के स्लाइसेस जो हैं उसे हम स्ट्रेनर में निकाल देंगे। निकाल दिया है हमने और अब हम इसे एक कपड़े पे फैला देंगे और पंखे के नीचे इसे आधा से 1 घंटा सूखने देंगे। इसका पानी जो है वो पूरा सूख जाना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो हमारा वेफर जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, सॉगी हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसे पंखे के नीचे अच्छे से सुखाना है। एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। मीडियम फ्लेम रखा है हमने। अब इस मीडियम फ्लेम में तेल गरम हो चुका है, इसमें आलू के स्लाइसेस हम डालेंगे। एक बार में 7 से 8 स्लाइसेस से ज़्यादा नहीं डालना है हमें। इस तरह से हमने इसे डाल दिया है और इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है। अब 4-5 मिनट बाद इसे निकाल लेंगे, वेफर जो है वो फ्राई हो चुका है। निकाल के हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे या थाली में डाल देंगे। सारे आलू के पीसेस को इसी तरह से फ्राई करना है, फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना चिप्स जो हैं वो सॉगी हो जाएगा, कड़क नहीं होगा, इसलिए इसे बीच बीच में हिलाते नहीं रहना है और इसे काफ़ी लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अब हम बाकी के आलू के स्लाइसेस को भी इसी तरह से तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है सारे आलू को और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा आलू का वेफर जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार है, एकदम बाजार जैसा। इसे डब्बे में स्टोर कर लेंगे और आप मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।